हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के 15वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इंडियन पार्लियामेंट का वैसे थर्ड लेक्चर है, तो आगे हम हमारी पार्लियामेंट का जो टॉपिक था उसको कवर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम देख लें कि अभी तक हमने डिस्कस किया गया था। जल्दी से देखो, कल हमने राष्ट्र जो मतलब हमारी पार्लियामेंट है, इंडियन संसद है, इसके बारे में डिस्कस किया था कि संसद में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा राज्यसभा होती है, मंत्री परिषद मिलकर वगैरह बनती है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। इसके बाद में हमने विधेयक यानी बिल बिल के बारे में हमने डिस्कस किया कि बिल बिल कौन कौन से टाइप के तरह के बिल होते हैं। अब उन बिल को ही आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी के साथ ही हमने जो फंड है गवर्नमेंट के पास, जैसे कि हमने एक तो डिस्कस किया था यहाँ पे, आपको पता ही है लोक लेखा निधि थी। इसी के साथ ही हमने समेकित निधि के बारे में डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हमने की, इमरजेंसी फंड के बारे में हमने देखा। अब हम आगे यहाँ पे ये देखेंगे कि जो विधेयक है यानी कि जो बिल है, मनी बिल है, इसी के साथ ही आपको पता फाइनेंस बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखो, पहला एक फैक्ट जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई भी बिल या विधेयक को लेकर कोई भी भ्रम या कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये धन मतलब मनी बिल है या धन विधेयक है या फिर फाइनेंशियल बिल है, इनमें से कौन सा है, तो ये सारा जो डिसीजन का काम होता है ये लोकसभा के चेयरपर्सन यानी कि जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर साहब, उनके होते हैं। देखो, आपको ये चीज़ तो पता होगी, लोकसभा के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको तो स्पीकर के नाम से जाना जाता है, मतलब उनको स्पीकर कहते हैं। और अगर चेयरपर्सन, उन किसे कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष को, यानी राज्यसभा के जो हेड होते हैं उनको चेयरमैन कहते हैं, और लोकसभा के जो हेड होते हैं उनको स्पीकर के नाम से जाना जाता है। तो खैर, एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर साहब ने कह दिया कि भाई ये मनी बिल है, तो उस बात को लेकर आप जुडिशरी को मतलब चैलेंज नहीं कर सकते, उस पर रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशरी में नहीं जा सकते उस चीज़ को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा आधार बिल को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रावर्सी हुई थी ना उस टाइम पे, तो मतलब इस मामले को एक्चुअली ले जाया गया था कोर्ट में, बट कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भाई, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो फाइनल पावर है ये स्पीकर के पास होती है। अब स्पीकर ने कह दिया कि भाई ये मनी बिल है तो मनी बिल ही है, हम कुछ नहीं करने वाले। अब हम देखो यहाँ पे देखेंगे एक, हाँ, इस पेज पे देखते हैं जो मनी बिल है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे एक साइड, तो और एक साइड हम जो फाइनेंशियल बिल है इनको हम कवर करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल बिल दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। क्या क्या है वो देखते हैं। एक फैक्ट को ये ध्यान रखना, मनी बिल है वो ओनली और ओनली लोकसभा में, ठीक है, ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा में जाता है पर सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा इसमें कोई संशोधन कुछ नहीं कर सकती, जो फाइनल पावर है वो लोकसभा के पास ही होती है। बस राज्यसभा ये कि आप राज्यसभा के पास से भेज दिया लोकसभा से, तो वो 14 दिन तक लटका सकती है, डिले कर सकती है, बाकी और कुछ नहीं है उसके हाथ में। 14 डेज के बाद अगर वापस भी नहीं करेगी तो अपने आप ये माना जाता है कि भाई डन हो गया, पारित कर दिया गया है। मतलब राज्यसभा के पास में कोई शक्ति नहीं होती, लिमिटेड पावर है कि बस 14 डेज तक वो रोक सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल है, इसमें देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये दो टाइप के तो है ही है, एक तो होगा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और एक होगा फाइनेंशियल बिल सेकंड। अब जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है ना, ये एक्चुअली लोकसभा का अध्यक्ष सर्टिफिकेट देता है इस चीज़ को, मतलब कि लोकसभा के तो देखने की जो स्पीकर होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि ये फाइनेंशियल बिल है या नहीं है। जैसे कि स्पीकर ने कह दिया कि भाई साहब ये फाइनेंशियल बिल है, इसका मतलब वो यहाँ पे इसमें मतलब इस लिस्ट में शामिल हो गए। या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा बिल जो फाइनेंस यानी कि पैसे से यानी कि वित्त, कोई ऐसा बिल जो वित्त से रिलेटेड हो और उसको लोकसभा अध्यक्ष का सर्टिफिकेट नहीं मिला कि भाई साहब ये मनी बिल है, तो उस कंडीशन में वो कहाँ आएगा, वो फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में आ जाएगा। पैसों से रिलेटेड है, अगर सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ भाई साहब ये सर्टिफिकेट मिल गया इस चीज़ को, तो वो मनी बिल हो जाएगा लोकसभा का। क्योंकि देखो, हमने डिस्कस किया है कि पावर किसके पास होती है, लोकसभा के स्पीकर के पास, वही डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल होगा, फाइनेंशियल बिल होगा, नॉर्मल साधारण बिल होगा, कौन सा। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई साहब ये मनी बिल नहीं है, मतलब लोकसभा स्पीकर ने मना कर दिया कि मनी बिल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल बिल है। क्यों? क्योंकि पैसे से रिलेटेड बिल है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल बिल ही बचा ना, फिर साधारण तो हो ही नहीं सकता, साधारण तो अलग होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ फाइनेंशियल बिल के बारे में। यदि कोई भी पैसे से रिलेटेड विधेयक होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा हो तो वह फाइनेंशियल बिल कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात हम चलते हैं। जैसा देखो हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल बिल दो टाइप के होते हैं, तो जो फाइनेंशियल बिल होता है ना फर्स्ट वाला, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसको आपको प्रेजेंट करना है ना, सॉरी, हाँ प्रेजेंट करना हो, प्रस्तुत करना है, तो इसको प्रेजेंट करने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
फाइनेंशियल बिल का जो फर्स्ट टाइप है ना, अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो राष्ट्रपति की पूरा अनुमति जरूरी होती है। और सेम यही कॉन्सेप्ट मनी बिल के लिए होता है। मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली गई है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का जो फर्स्ट टाइप है, इन दोनों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है, इससे पहले उनको पेश नहीं किया जा सकता। बाकी तो अपनी मर्जी से सारे काम होते रहते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। अब आगे, एक सेकेंड आगे हो, अब आगे हम ये देखते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल है ना, एक और दो, इनमें भी थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो, आपको एक चीज़ बता दूँ, फाइनेंशियल बिल जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइप का है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश करना है। इसके बाद में ये ध्यान रखना, इसके जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट टाइप का हो चाहे सेकंड टाइप को, इन दोनों को राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। मतलब फाइनेंशियल बिल की जो पावर है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास होती है, इक्वल पावर। जबकि मनी बिल की सारी पावर लोकसभा के पास होती है, केवल राज्यसभा 14 डेज तक डिले कर सकती है उस चीज़ को। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। सिमिलरिटी भी हमने डिस्कस कर ली और जो डिफरेंस है वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब कौन सा बचा? फाइनेंशियल बिल सेकंड हमने कवर नहीं किया। फाइनेंशियल बिल सेकंड की देखो बात ऐसी है, पैसे से रिलेटेड कोई विधेयक और है, मतलब कोई और टाइप का, तो वो किस में आएगा? ऑब्वियसली फाइनेंशियल बिल सेकंड में काउंट है, वो क्या जाएगा। हाँ, आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल बिल का जो सेकंड टाइप है ना, इसकी सेम वही प्रोसीजर होती है जो साधारण विधेयक या साधारण जो नॉर्मल बिल होता है ना, जिसको पेश करते हैं उसी तरीके से। मतलब फाइनेंशियल बिल का जो सेकंड टाइप है वो सेम प्रोसीजर से फॉलो किया जाता है जिस तरीके से साधारण बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम आगे साधारण बिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के पास इक्वल पावर होती है, लोकसभा और राज्यसभा को लेके, वो हमने चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे साधारण बिल देख, या जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है उसके लेके। ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक, ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल 107 और 108 के 108 में इसके बारे में मेंशन है, वो किया गया है। अब देखो बात ऐसी है, ध्यान से सुनना, कि मनी बिल का भी आर्मी हमने डिस्कस कर लिया कि मनी बिल में कौन से टॉपिक आएंगे, और फाइनेंशियल बिल में भी हमने डिस्कस कर लिया कि पैसे से रिलेटेड जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल बिल में आ जाएंगे। इसी के साथ एक चीज़ें और हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो वो तो अलग ही होगी, खैर तो उसका बिल अलग से आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले टॉपिक हो गए। तो इन सब टॉपिकों के अलावा जो रह गया ना, सारे टॉपिक वो आएंगे साधारण बिल में, ये आपको ध्यान में रखना है। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल से जो टॉपिक रह गए, जो इसमें मतलब इनमें काउंट नहीं हुए हैं, वो सारे फिर साधारण बिल या ऑर्डिनरी बिल में काउंट किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सारी जो प्रोसीजर वगैरह है इसकी, वो 107 आर्टिकल और 108 दोनों में मेंशन यहाँ पे की गई है। अब हम यहाँ पे एक तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका आर्टिकल 368 में उल्लेख किया गया है, और इसी के साथ ही हम साधारण बिल है इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो एक सेकेंड, खाली पेज लेते हैं। इधर तो रहा हमारा साधारण बिल, और इधर हम करते हैं हमारा संविधान संशोधन। ठीक है, देखो साधारण बिल की बात ऐसी है, नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। मेजोरिटी खैर हमने कवर नहीं की, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत से साधारण बिल को पास किया जाता है। इसके साथ ही जो संविधान संशोधन से रिलेटेड जो बिल होते हैं, इनके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी है वो मतलब पारित करनी होती है, उसी के थ्रू हम इसको पास कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि जो जॉइंट सेशन है वो अलाउ होता है, यानी कि अगर सिम जो साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को मर्ज करवा के ज्वाइंट सेशन करवाया जा सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इस मामले में ज्वाइंट सेशन अलाउ नहीं है। इसके साथ ऑर्डिनरी या साधारण बिल में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति वीटो की पावर का यूज कर सकता है, जो उसके पास पॉकेट वीटो वगैरह वगैरह होती है ना, उन वीटो का यूज राष्ट्रपति यहाँ पे कर सकता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पे राष्ट्रपति वीटो की पावर यूज नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखनी है। स्टार्टिंग में खैर अलाउ की गई थी, बट जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1971 में, इसके बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि नहीं भाई साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेके ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, साधारण बिल है इसको प्राइवेट पर्सन भी मतलब प्राइवेट मेंबर बिल भी नाम से, एक बार आपने सुना होगा प्राइवेट मेंबर बिल का। देखो मतलब ये होता है कि जो एमपी होते हैं ना लोकसभा में और राज्यसभा में, वो कोई जैसे कोई मंत्री नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल बात करूँ कि अभी गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री आपको बताया अमित शाह हैं। तो मतलब जो नॉर्मल एमपी है वहाँ पे, जो कि कोई मिनिस्टर वगैरह के पद पे नहीं बैठा है, अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहा हो बिल को, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से जाना जाता है।
ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये नहीं होता कि कोई मतलब थर्ड पार्टी या बाहर से कोई आम आदमी जाके लेके जा रहा हो, नहीं। प्राइवेट मेंबर का बिल मतलब ये है कि कोई मंत्री है वो नहीं बिल लेके आ रहा है, कोई आम वहाँ पे जो नॉर्मल MP है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। साधारण बिल है उसको प्राइवेट मेंबर बिल के तहत भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि मंत्री के अलावा भी और जो MP होते हैं ना वो साधारण बिल को एक तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब लेके आ सकते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो मंत्री ही उसके लिए बिल लेके आ सकते हैं, नॉर्मल MP इसके लिए बिल लेके नहीं आ सकती। और इसी के साथ यानी कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हो गए हैं वो ही बिल यहाँ पे लेके आ सकते हैं, बाकी और कोई जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम दो चार थोड़े जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना वो देख लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में देखो बार बार पूछे जाते हैं और अभी करंट अफेयर में भी काफ़ी रहते हैं। जैसे कि एक तो है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये आया था 2003 में, 91 इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, इसके बारे में काफ़ी पॉपुलर आपको याद ही होगा, एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल विरोधी कानून। बात क्या है, देखो बात ऐसी है कि अगर कोई पर्सन किसी पार्टी से इलेक्ट होकर आता है, देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आप किसी पार्टी में मत जाना, खैर केवल एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मान लो कि कोई पर्सन है और वो बीजेपी की सीट के ऊपर जीत के आया है, इलेक्शन जीत लिए बीजेपी की सीट पे, और जब भी इलेक्शन जीत लिया उसने, इसके बाद जब वो पार्लियामेंट में गया तब वो क्या करता है, बीजेपी की सदस्यता छोड़ देता है और कोई थर्ड पार्टी है मान लो कि कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है, आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी को मान लो वो ज्वाइन कर रहा है, तो वो चीज़ हो गया दल बदल कि भाई साहब ये जीत के तो ये थे बीजेपी की सीट पे और अब इन्होंने कांग्रेस से आम कोई भी पार्टी इन्होंने या निर्दलीय कोई भी कर लिया होगा कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। 2003 से पहले ऐसे काफ़ी केसेस होते थे, इवन हरियाणा में काफ़ी केस था, आय राम जिनका शायद नाम था राम सिंह ऐसे कुछ था, तो उन्होंने क्या है कि 2-3 दिन में ही 3-4 पार्टियाँ चेंज कर ली थी, तो उनके नाम पे आय राम गय राम एक मतलब कौन उस टाइम पे एक जोक टाइप का भी आया था, तो आपको इससे ही ध्यान रखना है। अब देखो उसमें प्रावधान क्या गया वो हम देखते हैं। उस टाइम पे ये सीन करके गया था, पहले थोड़ा बैकग्राउंड से देखा, 1985 से चलते हैं। देखो 1985 में ये अरेंजमेंट या ये सेटअप किया गया था कि अगर कोई भी पार्टी से कोई पर्सन इलेक्ट होके आ रहा है और उसके बाद में वो MLA यानी कि विधायक या फिर MP यानी कि सांसद बन रहा है और वो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं और वो दूसरी पार्टी बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई भी XYZ पार्टी है, इस पार्टी से 10% है वो इलेक्ट होके आए हैं, इसके बाद में वो क्या करते हैं इलेक्ट हो गए या फिर मान लो इलेक्ट होने के बाद MP बन गए हो या फिर MLA कुछ भी वो बने, और फिर वो क्या करते हैं दो पार्टियां बना लेते हैं, यानी कि XYZ ग्रुप टूट के दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ऐसे केस सामने हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये प्रावधान किया गया था 1985 में कि भाई अगर दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं ना तो कम से कम 1/3% एक साथ जाने चाहिए, यानी कि 10 हैं तो 10 के 1/3 कितने हो गए, यानी कि लगभग 3 से, ये मान लो कि 4 हो गए मोटे मोटे, यानी कि 4% कम से कम एक पार्टी में जाएंगे तभी वो पार्टी मतलब पार्टी मानी जाएगी, अदरवाइज क्या माना जाएगा कि वो सदस्य हैं वो अपनी पार्टी की सदस्यता के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में उनको इंक्लूड है वो किया गया था, ऐसा सीन पहले किया गया था। तो एक बात आपको मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि इस संबंध में जो फाइनल डिसीजन होता है ना वो वैसे पीठासीन अधिकारी को होता है, पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा में तो स्पीकर, राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं वो, और विधानसभा की बात हम करें तो वहाँ पे भी स्पीकर साहब होते हैं, तो वो ये पावर इनके पास होती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये तो हमने देख लिया 1985 का सीन की भाई 1/3% की बात की गई थी, लेकिन जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना इसमें क्या किया गया, इसमें ये कह दिया गया कि भाई साहब जो 1/3 की बात कह रहे थे ना आपकी, 1/3 सदस्य कम से कम जाने चाहिए पार्टी से अगर वो नई पार्टी बना रहे हैं, तो इसको ये कर दिया गया कि भाई 2/3, यानी कि अब कम से कम 2/3, तो 10 का 2/3 कितना हो जाएगा 20/3, तो 20/3 का मतलब कितना करोगे आप, ये मान लो कि लगभग 8-7 मान लो, हाँ सॉरी 7% होते हैं, यानी कि कम से कम 7% यहाँ से जाने चाहिए दूसरी पार्टी में, तभी जाके वो एक्चुअली से मतलब दूसरा ग्रुप है वो माना जाएगा। अगर 7 से कम MP MLA दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर मान लो कि वो न्यूट्रल कुछ भी कर रहे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1985 में तो ये प्रावधान किया गया था कि 1/3 सदस्य ही कम से कम जाने चाहिए, इससे ज़्यादा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बट इससे कम नहीं हो सकते, जबकि यहाँ पे ये कर दिया गया
2000 कितने, 2003 की बात है। 2003 में क्या किया गया कि भाई नहीं भाई, 1/3 से बात नहीं बनने वाली, कम से कम 2/3 सदस्य जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन करो, या फिर दूसरी मतलब वो खुद ही अपनी कोई पार्टी है वो बना लो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अयोग्य डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और वो एक्चुअली कम से कम वो मतलब क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे 2 बार, यानी कि 10 साल वो चुनाव से नहीं लड़ पाएंगे। इसे अलग अलग कंडीशन है वो रखी गई हैं, 6 साल तक वो मंत्री नहीं बन सकते, इस तरीके से अलग अलग वो पॉइंट्स है वो यहाँ पे रखे गए, तो वो खैर आपको पता होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे बेसिक पॉइंट है वो देख लिया कि भाई दल बदल वाले कानून का भी क्या था, वो भी हमने साथ साथ कवर कर लिया है। इसी के साथ एक 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, ये आपको बता दूं कि जो हमारा एट शेड्यूल है ना, खाली भेज लेते हैं, एक मिनट क्या आ गया ये, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, जो 8वें शेड्यूल में क्या है, 8वें शेड्यूल में लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। 8वें शेड्यूल में तो आपको बताओ होगा लैंग्वेज है कितनी है वो बताओ। 8 और ऐड की गई, सॉरी उस टाइम पे 8वें शेड्यूल में, सॉरी 4 बार लैंग्वेज और ऐड की थी। कौन कौन सी 4 थी उस टाइम पे, यूपीएससी पूछ सकते कि कौन सी लास्ट 4 लैंग्वेज है वो ऐड की गई थी। एक तो थी बोडो, एक थी डोंगरी, और एक थी यहाँ पे मैथिली, और एक थी यहाँ पे संथाली। तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकते कि ये आपको मतलब वो 2-3 और नाम दे दे, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, नेपाली वगैरह वगैरह, कि भाई इनमें से सबसे लास्ट में कौन सी ऐड की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 लैंग्वेज हैं जो सबसे लास्ट में ऐड है वो की गई थी 2003 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तब की ये बात है। और इसी के साथ ही 2004 में एक बिल और आया था वो आपको बता दूं, वो था 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि भाई जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है ना, जैसे कि IIT हो गई, एम्स हो गया, इसी के साथ ही जो मेडिकल कॉलेज हो गए नीट के थ्रू जो एग्जाम होती हैं वो, उनमें जो OBC क्लास है यानी कि जो अन्य बैकवर्ड क्लास जिसे हम जानते हैं, उसको 27% रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई थी, कि रिजर्वेशन दिया गया था हायर एजुकेशन में। ये वर्ड ध्यान रखना कि हायर एजुकेशन की बात की गई यहाँ पे, कि भाई हायर एजुकेशन में अन्य बैकवर्ड क्लास या जो अन्य पिछड़ा आयोग कमीशन के, सॉरी अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको रिजर्वेशन दिया गया था 2004 में 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ऐसे फैक्ट आपको ही ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रख लेना है, खैर वो उसको कैंसिल कर दिया गया था, वो था 99, सॉरी 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया था 2014 में। इसमें क्या था, इसमें ये प्रावधान किया गया था, बता दूँ जल्दी से, NJC, आपको काफ़ी उस टाइम पे याद भी होगा कि जो मतलब जुडिशियरी में कॉलिजियम सिस्टम है ना, इसको थोड़ा अगर हटा के NJC को लाने की बात की गई थी, राष्ट्रीय न्यायिक, एक सेकेंड, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन की बनाने की बात यहाँ पे की गई थी, बट उसमें काफ़ी कुछ कमियाँ थी, तो इसके बाद में इसको ख़त्म या निरस्त वो कर दिया गया था। तो मतलब ये वैलिड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में एक 100 वाला, कि जो सोवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, सोवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ये बात थी कि भाई जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गलियारे थे या फिर छोटे 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 ऐसे एरियाज थे जिनको लेके काफ़ी डिस्प्यूट था, तो उनका सेटलमेंट यहाँ पे किया गया था। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये कहाँ पे हुआ था, मतलब कब हुआ था, सोवे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया था। और इसमें 4 राज्यों की जो बाउंड्री है उसको इफेक्ट किया गया था, एक तो था पश्चिमी बंगाल, एक था असम, और एक था त्रिपुरा, और एक था मिजोरम। इन 4 स्टेट में प्रो मतलब 4 स्टेट में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो किए गए थे बांग्लादेश के साथ, तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो, इसलिए हमने मोटे मोटे जो अमेंडमेंट थे वो भी हमने देख ली। अब हम कल सबसे पहले तो एक तो मेजोरिटी डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक लगभग 10 मिनट के आसपास तो कल जो मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में कुछ टाइप हैं वो हम कवर करेंगे। इसके बाद में जो बिल लेके आया जाता है पार्लियामेंट में, उसकी हम थोड़ी सी प्रोसीजर देखने वाले हैं, कुछ उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखेंगे, और इसके बाद में जो स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, प्रिविलेज दी गई हैं मेम्बरों पार्लियामेंट को, उनको कवर किया जाएगा कल। और फिर परसों हम बजट का जो पॉइंट है या बजट का जो हमारी आर्टिकल है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बजट है, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, और फिर 4-5 दिन में मतलब जो मोटा मोटा हमारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। फिर हम लक्ष्मीकांत है हमारी, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।